हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम्स स्क्वायर क्लासेस ऑनलाइन। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड अपकमिंग एग्जाम बीडीओ या बीपीडीओ के जल्द एग्जाम होने वाले हैं, तो इसके लिए हम उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत उत्तराखंड के इतिहास को स्टार्ट किया है। इसमें हम आज बात करेंगे उत्तराखंड के पंवार वंश या परमार वंश की। ठीक है, तो इसमें जो बात करेंगे हम, पहले मैं थ्योरेटिकल लूंगा, पूरी इसकी हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसमें एमसीक्यू लगाएंगे। तो जो इसमें हम बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ाएंगे, बिल्कुल डीपली चीजों को समझेंगे, इसलिए बीपीडीओ वीडियो के अलावा जो अपकमिंग एग्जाम स्पेशली उत्तराखंड पीसीएस की जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारी वीडियो काफी कारगर सिद्ध होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए आप, सबसे पहले उत्तराखंड के पंवार वंश की अगर बात करें, तो उत्तराखंड के पंवार वंश का जो संस्थापक माना जाता है, वो माना जाता है कनकपाल को। उत्तराखंड में जो पंवार वंश था या परमार वंश था, उसके शासक कनकपाल को माना जाता है। एक्चुअली जो 19वीं शताब्दी तक अगर देखा जाए, तो 19वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र जो था, गढ़वाल क्षेत्र में 54 ठकुरी राजाएं हुआ करते थे। 54 ठकुरी राजाओं का शासन रहा है, और इसमें से सबसे शक्तिशाली राजा था ये भानु प्रताप सबसे शक्तिशाली राजा था। और एक्चुअली हुआ क्या था कि 887 ईस्वी में धार क्षेत्र, जो जो गुजरात में पड़ता है, वहां से कनकपाल आया था उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में जब चांदपुर गढ़ में आया था, जो ये भानु प्रताप था, ये चांदपुर गढ़ का राजा था। ये ध्यान रखिएगा, चांदपुर गढ़ का राजा कौन था? भानु प्रताप था। ठीक है, तो ये जब गढ़वाल क्षेत्र में आया था, गुजरात से, गुजरात के धार क्षेत्र से कनकपाल, तो ये यहाँ तीर्थ यात्रा पे आया था उत्तराखंड में। तो फिर हुआ क्या था कि इससे काफी प्रभावित हुए थे भानु प्रताप, और भानु प्रताप ने अपनी लड़की की शादी कर दी थी, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था कनकपाल के साथ। और जब ये अपनी पुत्री का विवाह कनकपाल के साथ करता है, तो बस उसी समय से यहाँ पर जो कनकपाल था, वो 888 ईस्वी में पंवार वंश की स्थापना करता है कनकपाल। तो अगर प्रश्न आता है कि पंवार वंश के संस्थापक कौन थे और कब स्थापना की गई थी, तो 888 ईस्वी में कनकपाल ने इसकी स्थापना की थी, या फिर ईस्वी संवत बोलेगे तो 745। और जो चांदपुर गढ़ था, चांदपुर गढ़ का जो राजा था, वो भानु प्रताप था। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है भानु प्रताप का दूसरा नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भानु प्रताप का जो दूसरा नाम था, वो था सोनपाल। भानु प्रताप को सोनपाल के नाम से भी जाना जाता था। और एक इसमें काफी डीपली क्वेश्चन है ये, कि आप पूछ सकता है कि चांदपुर गढ़ जो था, उसकी संरचना कैसी थी? तो वो चक्रव्यूह की टाइप की रचना थी इसकी, गोलाकार चक्रव्यूह जैसा होता है, उसी तरह था चांदपुर गढ़ की रचना। देखो, चांदपुर गढ़ से थोड़ा ऊपर जाएंगे, चमोली में पड़ता है चांदपुर गढ़। अगर थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वहां पर कौनपुर गढ़ है, और कौनपुर गढ़ के जो स्थानीय लोग हैं, वो कनकपाल का गढ़ मानते हैं। ठीक है, चांदपुर गढ़ को कनकपाल का गढ़ मानते हैं। कौन मानते हैं? कौनपुर गढ़ के लोग। और ये इंपॉर्टेंट है। फिर परमारों की जो कुल देवी थी, परमार या परमार पंवार वंश या परमार वंश, एक ही बात है। परमार वंश या पंवार वंशों की जो कुल देवी थी, वो राजराजेश्वरी थी। नेक्स्ट आते हैं पंवार वंश के संस्थापक को लेकर मतभेद। अब देखो, पंवार वंश का जो संस्थापक था कनकपाल, इसको लेकर के भी कई मतभेद है, और सबसे अधिक प्रमाणित क्या है, ये भी हम इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आता है, जैसे सुदर्शन साहा, विलियम्स हो गया, देवराज, वैकेट, जितने भी इतिहासकार हुए हैं, वैकेट हो गया, या एटकिंस हो गया, विजयराम रतूड़ी हो गया, हरिकिंस रतूड़ी, ये जितने भी हरिकृष्ण रतूड़ी, इन्होंने कनकपाल को संस्थापक माना है पंवार वंश का या परमार वंश का। इसके अलावा हार्डरी को, और मोलाराम, राहुल संस्कृत्यायन, श्री प्रसाद डबराल, इन्होंने अजयपाल को माना है, या फिर किसी अन्य को पंवार वंश का संस्थापक माना है। जो राहुल संस्कृत्यायन है, इन्होंने तो कहा कि कनकपाल नाम का कोई व्यक्ति या कोई राजा था ही नहीं। श्री प्रसाद डबराल ने उत्तराखंड के इतिहास में जगतपाल को संस्थापक माना है पंवार वंश का। पूछा जा सकता है कि श्री प्रसाद डबराल के अनुसार पंवार वंश का संस्थापक कौन था? तो श्री प्रसाद डबराल के अनुसार पंवार या परमार वंश का संस्थापक कौन था? जगतपाल था। और वैसे रियल में, वास्तव में, जिसको प्रमाणिक रूप से जो संस्थापक है पंवार वंश का, वो क्या है? कनकपाल है। लेकिन सिर्फ श्री प्रसाद डबराल के अनुसार जगतपाल हो जाएगा।
अब देखो पवार वंश के 60 सम्राट हुए हैं पवार वंश में, और ये हमें चार सूचियां हैं, उन चार सूचियों से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि पवार वंश या परमार वंश में 60 राजा उत्पन्न हुए हैं, सॉरी 60 राजा बने हैं। पहली सूची थी कप्तान हार्डरिक की, और ये 1786 इसका डेट है। और नेक्स्ट है वैकेट की सूची, और सबसे अधिक प्रमाणित सूची है वैकेट की सूची 1849, और सरकार के विवरण से ये ली गई है। और तीसरी सूची है श्री विलियम्स द्वारा दी गई सूची। तो पूछा जा सकता है कि वे कौन सी निम्नलिखित में से कौन ये कौन सी सूचियां हैं जो 60 राजाओं की कितनी सूचियां हैं, तो चार सूचियां हैं। अगला ये इंपॉर्टेंट है, ई एटकिंस की सूची अल्मोड़ा सूची कहा जाता है। अल्मोड़ा के किसी एक पंडित के संग्रह से जो वैकेट की सूची है, जो जो किसी पंडित के संग्रह से ली गई है, और जो सुदर्शन साह की जो कीर्ति सभागार है 1828 में इन्होंने कीर्ति सभागार लिखी है, ये जो की सूची में समानता है। ये देखो वैकेट सूची और ये सुदर्शन साह का जो कीर्ति सभागार सूची है 1828 में लिखा है इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में सुदर्शन साह की कीर्ति सभागार कब लिखी है, तो 1828 में। इन दोनों में समानता मिली है, और इन दोनों की समानता के कारण वैकेट सूची को अधिक प्रमाणित माना जाता है, और वैकेट सूची में कनक पाल को पंवार वंश का राजा माना गया है, संस्थापक माना गया है, इसलिए पंवार वंश ये अधिक वैलिड है कनकपाल। ये वाला पॉइंट याद रखिए कि किस आधार पर जो है कि कनकपाल को पंवार वंश का संस्थापक माना जाता है, तो वैकेट की सूची और सुदर्शन साह कीर्ति सभागार के आधार पर माना जाता है। अगला है इसके अतिरिक्त देखो उत्तरकाशी के परशुराम मंदिर, और ये भी प्रश्न आ सकता है कि उत्तरकाशी ये परशुराम और विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, ये उत्तरकाशी में है, और यहाँ से भी कुछ सूचियां प्राप्त हुई हैं, और इन सूचियों से हमें पता चलता है कि प्रदीप शाह से सुदर्शन शाह तक के नरेशों का वर्णन है कहाँ किसमें है, उत्तरकाशी के परशुराम और विश्वनाथ मंदिरों के से उपलब्ध सूचियों से। अगला है कनकपाल, कनकपाल को परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माने जाने के चार प्रमुख कारण है। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कनकपाल को माने जाने के हमारे पास चार प्रमुख कारण है। पहला है चांदपुर गढ़ के ऊपर कौनपुर गढ़ है, और वहां के लोग कनकपाल को यहाँ का शासक मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कनकपाल परमार वंश का संस्थापक था, और जो जो भानु प्रताप था वो चांदपुर गढ़ का राजा था, संस्थापक नहीं था, राजा था उस समय वहां का। जगतपाल जो 34वां राजा हुआ है पंवार वंश का, पंवार वंश में 888 से 1949 तक कुल 60 राजा हुए हैं, उसमें से जो 34वां राजा था जगतपाल का जो अभिलेख है देवप्रयाग अभिलेख, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि देवप्रयाग अभिलेख किसका है, तो देवप्रयाग अभिलेख जगतपाल का है, पमार वंश के पहले राजा जिनका ताम्रपत्र मिला है। तो पमार वंश का पहला राजा कनकपाल है, इसकी पुष्टि हुई है जगतपाल के देवप्रयाग अभिलेख से। अगला है अनंतपाल, अनंतपाल 29वां राजा था, परमार वंश का 29वां राजा था अनंतपाल, और ये भी एक प्रश्न उठता है कि धारशिला लेख किसका है, तो धारशिल लेख है अनंतपाल का, ठीक है। और ये धारशील कहाँ है, ये ऊखीमठ में है, ऊखीमठ के धारशील गांव में है, और ये है ऊखीमठ कहाँ है, रुद्रप्रयाग में है, ऊखीमठ एक तहसील भी है रुद्रप्रयाग की, ठीक है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पे। तो ये तीन कारण हो गए, और चौथा कारण देखिए, चौथा कारण है वैकेट विजयराम रतोड़ी सभागार पिंगल दास की अप्रकाशित वंशावली में 28वें राजा लसणदेव 28वें राजा है का वर्णन, तथा राजा लसणदेव की एक ताम्र प्रमुख लेखक सूर्य सिंह पंवार के पुराण दरबार संग्रह में देखी गई है। और इतिहासकार रतूड़ी का कथन है कि कांदिल राव कौन था, कनकपाल का बाप पिताजी बाप था, यानी कि उसके पिता थे, तो कांदिल राव का पुत्र कनक राव, जब ये पहले इसका नाम कनक राव था, और जब ये भानु प्रताप की पुत्री के साथ शादी करता है तो उसके बाद चांदपुर के सिंहासन पर बैठता है, और कनकपाल के नाम से प्रसिद्ध होता है। कनकपाल के नाम से कब प्रसिद्ध होता है, जब सिंहासन पर बैठता है चांदपुर की, और वहीं से नींव पड़ती है परमार वंश की। और ध्यान रखिएगा ये किसके अनुसार है, इतिहासकार रतूड़ी के अनुसार है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा मनोदय या मानोदय
काव्य किसका है? यह 1600 ईस्वी में लिखा गया है, भरत कवि का। और सभासार, सबसार लिखा हुआ है, सभासार होना चाहिए था। ये 1828 ईस्वी में इसकी रचना हुई है। और ये सुदर्शन साहा, जिसको सूरत कवि के नाम से भी जाना जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सुदर्शन साहा सूरत कवि के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुदर्शन साहा को जाना जाता है। और ये इन्होंने लिखा है सभासार को 1828 ईस्वी में। रामायण प्रदीप ने लिखा है 1750 ईस्वी में। इन सभी कृतियों में अजय पाल से ही वंश का वर्णन मिलता है। जो ये कृतियां हैं, तीन कृतियां, परमार या परमारों के पूर्वज वस्त्र गणपति के रूप में कार्तिकेयपुर राजाओं के अधीन शासन करते थे। देखो एक्चुअली क्या था कि जो जो परमार वंश के जो प्रारंभिक राजा थे वो कार्तिकेयपुरी राजाओं के सामंत थे, यानी कि इनके अधीन थे। ठीक है, सामंत मतलब अधीन। कार्तिकेयपुर राजा जो थे उनके सामंत थे कौन? परमार वंश के प्रारंभिक राजा। लेकिन 10वीं और 11वीं शताब्दी में ये क्या हुए? 10वीं और 11वीं शताब्दी में ये एक बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरे और इन्होंने अपने नए राज्य की स्थापना की, जिसे परमार वंश कहते हैं। ठीक है, और वैकेट की सूची, जो सबसे अधिक प्रमाणिक सूची है, इस सूची के अनुसार 1888 ईस्वी से लेकर के 1804 ईस्वी तक 54 परमार शासक हुए हैं। ठीक है, और अनंतपाल 29वां राजा था इसमें से, ऊपर मैंने बात की थी अभी। ठीक है, 1888 ईस्वी से और 1804 ईस्वी तक कुल 54 परमार शासक हुए हैं। किसके अनुसार? वैकेट सूची के अनुसार, और जो सबसे अधिक प्रमाणिक सूची है। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से परमार वंशों की सबसे अधिक प्रमाणिक सूची कौन सी है? चार सूचियां दे सकता है, तो वैकेट की सूची सबसे अधिक प्रमाणिक है। ठीक है, हाँ, कनकपाल से प्रद्युम्न शाह तक इसमें दिया गया है वैकेट की सूची में। ठीक है, अब समस्त परमार वंश में देखा जाए तो समस्त पूरा परमार वंश में 888 ईस्वी से 1950, अगस्त 1949 ईस्वी तक 60 राजा हुए हैं। प्रारंभिक परमार वंशी शासकों की राजधानी चांदपुरगढ़ थी भाई, जो चंद्रपुरगढ़ भी कहा जाता है, चमोली में है। इसे हम 36 राजाओं के नाम, इसमें हमें 36 राजाओं के नाम मिलते हैं और प्रारंभिक परमार शासक माने जाते हैं ये, कनकपाल से अजयपाल तक। ठीक है, आप ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पवाड़ा या पैवड़ा गीत किसने रचे थे? तो पवाड़ा या पैवड़ा गीत जो थे वो भाटों द्वारा रचित गीत थे। ठीक है, गढ़गढ़ राज्य में भाटों द्वारा रचित गीत है पवाड़ा या पैवड़ा। ठीक है, और ये कफ्यू, जैसे कि कफ्यू चौहान पवाड़ा, विजयपाल पवाड़ा, और इसके अलावा तीलू रौती पवाड़ा, माधो सिंह पवाड़ा, जीतू बघड़वाल पवाड़ा, ये सब क्या है? पवाड़ा है जो भाटों द्वारा रचित है। इंपॉर्टेंट है, भारतीय लोक साहित्य फात्रक के रचयिता कौन है? तो ये है श्याम परमार। ठीक है, अगला है गढ़वाल की दिवंगत भूभूतियां, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, भक्ति दर्शन सभी जानते होंगे। और नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत कम बुक्स में ये देखने को मिलेगा, डिग्लोरी दैट वाज गुजर देश, डिग्लोरी दैट वाज गुजर देश, इसके लेखक है माणिक लाल मुंशी। तो दोस्तों, आज हमने बात की है उत्तराखंड के परमार वंश की, बेसिक जानकारी हमने पढ़ी है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम 60 राजाओं की पूरी सूची लेके आएंगे और उसके बाद एक एक राजा पे हम डिटेल में बात करेंगे, इन डिटेल बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा और कौन कौन सी कमियां हमारी वीडियो में रही हैं, आप जरूर कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, हम नेक्स्ट टाइम पे इम्प्रूव करके आएंगे। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।